हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बढ़िया हो। आज हम थोड़ा सा लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स गो। लेजेंडरी पोकेमॉन मींस हुप्पा के बारे में बात कर लेते हैं। पोकेमॉन यूनाइट में हुप्पा को लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं बोले तो सही रहेगा। देखो भाई, हुप्पा ऐसे पोकेमॉन है, बहुत दिन से नाब में चल रहा था, उसका बाद जाके बाप मिला है थोड़ा सा। और इस वीडियो में हम हुप्पा का बेस्ट बिल्ड बताएंगे, सो वेट फॉर एंड। तो देखो, हुप्पा जब रिलीज हुए थे तब हुप्पा 2 मेटा में बाप था, मतलब ऐसे हुप्पा चल रहा था, उसका साथ सोलो मास्टर रैंक पुश कर सकते थे। मींस उसका पास इतना डैमेजिंग पावर था, वो अकेले सोलो खेल के सबको खत्म कर दे सकते थे। मींस कभी कभी 1v3, कभी कभी 1v4 भी कर लेते थे। सोलो मास्टर रैंक के लिए परफेक्ट था। बट उसका बाद पोकेमॉन यूनाइट का टीम लोगों का इसके ऊपर नजर पड़ गया, बस इसको नाफ करते ही जा रहा है, करते ही गया, करते ही गया। उसका बाद इतना नाफ कर दिया तो लॉबी में 2-4 महीने में तो इसको ये पोकेमॉन कोई चूज ही नहीं करते थे रैंक मैच के लिए। तक इस पोकेमॉन का बेस मूवसेट था हाइपर स्पेस फ्लैश फैंटम फोर्स। और अभी इस मेटा में इसको थोड़ा सा बाफ कर दिया गया है, मींस इसका डैमेज पावर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ इसका एचपी भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। और हम रेकमेंड करें तो इसका बेस्ट मूवसेट अभी जो अच्छा चल रहा है वो है ट्रिक प्लस शैडो बॉल। एक बार जरूर ट्राई करके देखना, पहले ट्रिक दबाओ उसका बाद शैडो बॉल यूज करो। और हाँ, ट्रिक का रेंज थोड़ा सा कम है तो उतना पीछे जाके मत खेलना, थोड़ा सा पीछे रह के खेलना। उसके बाद ट्रिक दबाओ सपोर्ट करेगा एक पोकेमॉन को, उसके बाद शैडो बॉल से डैमेज देगा। तो ये मूवसेट अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अगर बात करें तो बेस्ट हील आइटम का, तो देखो ये सपोर्टर पोकेमॉन है, बट इसमें बॉडी बैरियर यूज करना ही चाहिए। तो बेस्ट हील आइटम है मासल बैंड प्लस फोकस बैंड प्लस बॉडी बैरियर। इसमें तुमको डैमेज भी मिलेगा और थोड़ा सपोर्ट भी होगा। और देखो, इसका बेस्ट बैटल आइटम्स का बात करें तो हम तो रिकमेंड करेंगे पोशन लेकर खेलो, और एक स्पीड भी लगा सकते हो इसमें, और थोड़ा सा एचपी का दिक्कत है तो भाई पोशन लेके खेल सकते हो। और नेक्स्ट अगर एम्बुलेंस का बात करें तो देखो, एम्बुलेंस अगर लगाए तो अच्छे से तो पोकेमॉन थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। इसीलिए हुप्पा का बेस्ट एम्बुलेंस है 6 ग्रीन और 7 ब्लैक लेके खेलो। और ज्यादातर ट्राई करना थोड़ा सा पीछे रह के खेलना, अब ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे रह के खेलना, क्योंकि देखो सपोर्टर पोकेमॉन है और शैडो बॉल से डैमेज भी होता है अगर ट्रिक्स प्लस शैडो बॉल यूज करोगे तो। इससे किल के साथ साथ एसिस्ट भी हो जाता है। और अगर इसके यूनाइटेड मूव के बारे में बात करें तो देखो, इसका यूनाइटेड मूव थोड़ा सा ध्यान रख के यूज करना, मींस जब रेजिले की या रेकोजे आएगा तभी इसको यूज करना, क्योंकि इसका यूनाइटेड मूव सबको पता है एक जगह से तुरंत दूसरे जगह में ट्रांसफर हो सकता है, और साथ ही साथ यूनाइटेड मूव का पावर तो है ही, तो इसका यूनाइटेड मूव थोड़ा सा देख के यूज करना चाहिए। अभी हुप्पा को थोड़ा सा बाप कर दिया गया है तो लेके खेल सकते हो, बाकी तो मेरा लाइव स्ट्रीम में देख ही पाओगे। तो यही था हुप्पा पोकेमॉन का बेस्ट बिल्ट इन पोकेमॉन यूनाइट। और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, टाटा।